हेलो एवरीवन, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में कौन से डेटा टाइप्स म्यूटेबल हैं एंड कौन से डेटा टाइप्स इम्यूटेबल हैं। राइट, म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जिनको चेंज किया जा सकता है, जिनकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो हैं जिनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, द पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट्स कैन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। पाइथन में डेटा टाइप्स को, डेटा ऑब्जेक्ट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, अब देखो, डेटा टाइप्स को डेटा ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो पाइथन के अंदर हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। ओके, अब यहां पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, इम्यूटेबल टाइप्स। इम्यूटेबल मींस नॉन मॉडिफिएबल, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड म्यूटेबल मॉडिफिएबल, जिनको, जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। राइट, ओके, सबसे पहले है हमारे पास इम्यूटेबल टाइप्स। कौन से डेटा टाइप्स हैं जिनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता? द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। अब देखो, इन प्लेस का क्या मीनिंग है? कोई भी वैल्यू मेमोरी की लोकेशन पे क्या होती है? स्टोर होती है। राइट, जैसे मैंने यहाँ पे 25 स्टोर कर दिया एक मेमोरी लोकेशन पे। राइट, अब इस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू अगर चेंज नहीं हो सकती तो वो डेटा टाइप क्या होगा? इम्यूटेबल। राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बट अगर इस मेमोरी लोकेशन पे आप कोई दूसरी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मैंने 25 के प्लेस पर 5 स्टोर कर दिया, तो ये वाला डेटा टाइप क्या बन जाएगा? म्यूटेबल डेटा टाइप। राइट, तो सबसे पहले हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से हैं। राइट, तो हमारे पास है, इन पाइथन द फॉलोइंग टाइप्स आर इम्यूटेबल: इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियंस, स्ट्रिंग, टपल्स। ओके, तो दीज आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 5। ओके, राइट, अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराते हैं a और b की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, वैल्यू 5 आपने a एंड b दोनों में इनिशलाइज किया, मतलब दोनों वेरिएबल a एंड b 5 को लोकेट कर रहे हैं, और यू कैन से 5 को रेफर कर रहे हैं। फाइन, अब मैं अगर प्रिंट कराती हूँ दोनों की वैल्यू, ए की वैल्यू देन बी की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगी? 5 5 आई है। अब देखो इनका एड्रेस देखते हैं। आईडी किया मैंने, आईडी ए, आईडी से क्या आएगा? ए वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा। किस एड्रेस को रेफर कर रहा है वेरिएबल ए? इस एड्रेस को रेफर कर रहा है। ओके, अब आईडी बी, बी भी सेम वैल्यू को रेफर कर रहा है। ठीक है, देखो एड्रेस सेम है, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस सेम है। और अगर मैं 5 का एड्रेस देखूं, वैल्यू जहाँ पे स्टोर है आपकी 5, देखो इसका एड्रेस सेम है। तो इसका क्या मीनिंग है? इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे आपकी वैल्यू 5 स्टोर है। ठीक है, और ए एंड बी वेरिएबल क्या कर रहे हैं? इस एड्रेस को बता रहे हैं, मतलब लोकेट कर रहे हैं। आप ए एंड बी वेरिएबल की हेल्प से इस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया 10 दे दिया। अब आप क्या सोचोगे कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है? ओके, फाइन, मतलब 5 के प्लेस पर अब मेमोरी में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। कैसे? यहाँ पे देखो, मैंने अब देखो प्रिंट कराया दोनों की वैल्यू, ए एंड बी आ गया, दोनों की वैल्यू 10 है। तो आपको अब क्या लगेगा कि पहले दोनों की वैल्यू 5 थी ए और बी की, अब दोनों की वैल्यू 10 होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी सिंपली क्या है? वेरिएबल्स हैं। ओके, जो रेफरेंस देते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को। राइट, अब वो पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं। यहाँ पे ए एंड बी स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये ए एंड बी क्या बता रहे हैं? 5 का एड्रेस बता रहे हैं। ओके, अब देखो इसको समझो। अब मैंने आईडी किया, आईडी ए का, अब देखो ऊपर का आईडी डिफरेंट है, नीचे का भी ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस डिफरेंट है। ओके, पहले ए का एड्रेस ये था, अब ए का एड्रेस ये है। क्यों? क्योंकि अब ए वेरिएबल कुछ किसी दूसरी वैल्यू को रेफरेंस दे रहा है, किसी दूसरी वैल्यू को लोकेट कर रहा है। फाइन, अब देखो मैं यहाँ पे फिर से करती हूँ, आईडी बी डिफरेंट एड्रेस है। ठीक है, फिर मैंने किया आईडी 10। ओके, अब देखो ए बी और 10 का एड्रेस सेम है। पर अगर मैं 5 का एड्रेस देखती हूँ, वैल्यू 5, तो मेरा क्या होगा? वैल्यू 5 का एड्रेस हम देखेंगे, तो देखो वैल्यू 5 का एड्रेस सेम है एज इट इज,
देखो वैल्यू 5 का एड्रेस सेम है, ओके तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, वैल्यू एज इट इज है, जो 5 इंटीजर जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ था, इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ था वो वहीं पर है, वो चेंज नहीं हुआ है, ओके जहाँ पे वो स्टोर हुआ था इंटीजर 5 वो वहीं पर ही है, देखो वहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, ओके बस क्या चेंज हुआ है, जो वेरिएबल नेम्स थे ए और बी जो पहले 5 को लोकेट कर रहे थे, अब वो किसी दूसरे एड्रेस को लोकेट कर रहे हैं, किसी दूसरे एड्रेस का रेफरेंस बता रहे हैं, किसी दूसरी वैल्यू जहाँ पे 10 स्टोर है वो उसका रेफरेंस बता रहे हैं कि 10 कहाँ स्टोर है। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो चेंज नहीं हुई इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा टाइप कौन सा हो गया, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई, इन प्लेस वैल्यू मतलब मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर थी, जो वैल्यू स्टोर यहाँ पे हमने 5 की थी उसके प्लेस पे 10 नहीं आया है, 5 अपनी प्लेस पर ही है, 10 किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है जाके, और यहाँ पे ए एंड बी अब 10 का एड्रेस बता रहे हैं, समझ आया। तो यहाँ पे इन प्लेस चेंज नहीं हुआ है, इन प्लेस मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जहाँ 5 था वो वहीं पर ही है, ओके तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, इम्यूटेबल डेटा टाइप का। अब अगर आप क्या करते हो, आपने एक दूसरे वेरिएबल में वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया 5, मैंने अब t इक्वल्स टू 5 कर दिया, राइट, देखो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, 5 है, ओके अब देखो मेमोरी एड्रेस देखते हैं हम, t का मेमोरी एड्रेस और 5 का मेमोरी एड्रेस, ये आपका 5 का मेमोरी एड्रेस है, ये आपका टी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, दोनों एड्रेस सेम है, ओके मतलब 5 अपने प्लेस पर ही है, ओके आप जो वेरिएबल उसको रेफरेंस दे रहे हैं, जो वेरिएबल्स उनको लोकेट कर रहे हैं, आप वो वेरिएबल्स चाहे चेंज करते रहो, उनके नेम्स चेंज करते रहो, लेकिन जहाँ पे 5 स्टोर है वहीं पर स्टोर रहेगा, वो अपने प्लेस से नहीं हिल रहा, जहाँ पे 10 स्टोर है वो अपने प्लेस पर ही रहेगा, यहाँ अभी अभी इसको ए एंड बी दोनों लोकेट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट कर रहे हैं, राइट, ओके आप अगर इसका वेरिएबल नेम चेंज कर लोगे तब भी 10 अपने प्लेस पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्यूटेबल डेटा टाइप, जहाँ पे इन प्लेस चेंज नहीं होता, इन प्लेस मतलब मेमोरी में जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर है वो वहीं स्टोर रहती है, वहाँ पे उस वैल्यू में चेंज नहीं होता, ओके तो ये आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट वी हैव म्यूटेबल डेटा टाइप्स और मॉडिफिएबल टाइप्स। द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज इन प्लेस, वो डेटा टाइप्स जिनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो मेमोरी लोकेशन से, मान लो यहाँ पे 5 स्टोर है, ओके आप इसके प्लेस पर 10 स्टोर कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन की, तो ये क्या हो गया, इन प्लेस चेंज हो गया। और ऐसे डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स, राइट। Only 3 types are mutable in Python. Python में 3 data types क्या होते हैं, mutable data types होते हैं, आपका list, dictionary and sets. Sets आपके syllabus में नहीं है, okay? तो आप list and dictionary के example देख सकते हैं। अब देखो जो list का first element क्या है, वो 2 है, right? मैं क्या करूँगी, list का first element change कर दूँगी, fine? मैं यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट वेरिएबल लिया मैंने और उसमें एक लिस्ट को मैंने स्टोर कराया 3, 4, 5, ओके ये हमने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब आप लिस्ट को प्रिंट करा दो, ये आपकी लिस्ट आ गई, फाइन। अब देखो इसका ये जो 3 है वो 0 इंडेक्स पे है, 4 आपका 1 इंडेक्स पे है और 5 आपका 2 इंडेक्स पे है, तो मैं क्या करती हूँ, 4 जो हमारा 1 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको मैं चेंज करा देती हूँ, राइट। उसके लिए मैंने क्या किया, लिस्ट का नेम स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने दे दिया इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू इनिशलाइज करा दी, 4 की जगह 40 कर दिया मैंने, ठीक है, 4 की जगह 40। अब अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराते हो तो अब देखो आपका 4 की जगह 40 चेंज होके आ गया है, राइट। तो यहाँ पे इन प्लेस मॉडिफिकेशन हुआ है, वैल्यू चेंज हुई है, फाइन, ओके। अब देखो आईडी, पहले अब हम देखते हैं लिस्ट की आईडी, पहले भी हमें करनी चाहिए थी, ये हमारा एड्रेस आ गया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने एक लिस्ट ली, मैंने वहाँ पे 20, 10 and 30 ले लिया, राइट, ये हमारी लिस्ट है 20, 10, 30, मैंने यहाँ पे इसका आईडी ले लिया, आईडी में मैंने लिस्ट को पास कर दिया, ये मेरा लिस्ट का एड्रेस है, फाइन। अब लिस्ट का जो फर्स्ट है,
फर्स्ट हमारा क्या है, एलिमेंट 3 है, मैंने वही जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैं कर दूंगी यहाँ पे 30। अब देखो लिस्ट को हम देखेंगे तो ये 30 आ गया है। अब आप लिस्ट का एड्रेस देखेंगे, आईडी, ओके, लिस्ट, फाइन। अब देखो सेम एड्रेस है, 281448809040, अगेन 281448809040। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, सेम एड्रेस पे मेमोरी चेंज, सेम एड्रेस पे आपकी वैल्यू चेंज हुई है। पहले आपकी वैल्यू 3 थी और अब क्या हो गई है, 30 हो गई है। ओके, सेम मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू को चेंज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे इन प्लेस मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट्स वाई लिस्ट आपका क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। सेम मेमोरी एड्रेस पे आपने वैल्यू को चेंज किया है। ओके, अब एक एग्जाम्पल हम डिक्शनरी का देख लेते हैं। फाइन, जैसे मैंने यहाँ पे डिक ले लिया एक वेरिएबल और यहाँ पे हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। 1 मेरी की है और मैंने यहाँ पे दे दिया वैल्यू 10। ओके, 2 मेरी की है और 2 की वैल्यू है 20, राइट, एंड 3 की है और 3 की वैल्यू है आपकी 30, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट डिक, आपने डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया, ये आपकी डिक्शनरी आ गई। अब इसका एड्रेस देख लेते हैं हम, ठीक है, DIC आपकी डिक्शनरी का एड्रेस, ये आपकी डिक्शनरी का एड्रेस है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, मेरी जो डिक्शनरी है डिक, उसकी जो की 1 है, ओके, की 1 की वैल्यू क्या थी आपकी, 10 थी, इसको मैं कर देती हूँ 100। ओके, डिक क्या है, डिक्शनरी का नाम, 1 हमारी की है, जहाँ पे पहले वैल्यू थी 10, अब हम उसको कर रहे हैं 100, राइट। अब देखो, अब अगर आप प्रिंट कराते हो अपनी डिक्शनरी को, प्रिंट डिक, अब देखो 1 जो आपकी की 1 है उसकी वैल्यू अब 100 हो चुकी है, 100 हो चुकी है। ओके, अब हम अगेन उसका एड्रेस देखेंगे, आईडी डिक, देखो सेम मेमोरी एड्रेस है, जब वैल्यू 10 थी तब भी ये मेमोरी एड्रेस था, 281449045608। अब आपने की जो आपकी की 1 है उसकी वैल्यू आपने 100 करा दी है, चेंज करा दी है फ्रॉम 10, अब ये चेंज हो चुकी है 100, तब भी मेमोरी एड्रेस सेम है। तो क्या हुआ है, सेम मेमोरी लोकेशन पे आपने जहाँ पे वैल्यू स्टोर थी वहीं पर ही वैल्यू को चेंज किया है, राइट। तो ये क्या है, इन प्लेस मॉडिफिकेशन है, सेम मेमोरी लोकेशन में मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे डिक्शनरी आपका क्या है, ये आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।